अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज मोहम्मद उमेर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह पोलैंड का जो वर्क परमिट है या रोमानिया का वर्क परमिट है या किसी भी कंट्री का वर्क परमिट है और वो किसी और लैंग्वेज में है तो किस तरह उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, किस तरह हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वेलकम बैक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग किसी भी यूरोप कंट्री से आपको वर्क परमिट मिला है और आप चाहते हो कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके और उसके बाद उसके अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपका एम्प्लॉयर का नाम होता है, आपकी कंपनी का नाम होता है, इसके अलावा वर्क परमिट कौन से डेट पे इशू हुआ है, कब एक्सपायर होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती है और वो आपके लिए ज़रूरी है कि उसको सबसे पहले इंग्लिश में आप लोग ट्रांसलेट कर सको। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि उसके अंदर वो एम्प्लॉयर का नाम क्या है, इसके अलावा और जो जितनी भी डिटेल हैं जो कि आपको इंटरव्यू के दरमियान पूछी जा सकती है, तो वो आपने सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद ही आप उसको समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास पोलैंड का वर्क परमिट है या यूरोप के किसी भी कंट्री का वर्क परमिट है, जैसे कि पोलैंड हो गया, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसके अलावा रोमानिया का है, इसके अलावा किसी और कंट्री का है, तो वो आप हमें सेंड कर सकते हैं और हम उसको आपके लिए ट्रांसलेट करके आपको दोबारा PDF में सेंड कर सकते हैं। याद रखिए कि हम आपके लिए तब ही ये पॉसिबल है कि वो कर लें जब आप हमें क्लियर वर्क परमिट जो आपकी क्लियर कॉपी हो आपके पास हो या PDF हो वो आप हमें सेंड करोगे, तब ही जाके हम उसको सही तरीके से आपके लिए ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और वो आपको सेंड करेंगे, तो आपको मुश्किलात नहीं होगी और आप आसानी के साथ उसके अंदर जो एम्प्लॉयर का नाम है, कंपनी का नाम है और एड्रेस है कंपनी का, सारी इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। याद रखिए कि 100% कोई भी आपको ये जो वर्क परमिट है वो ट्रांसलेट करके नहीं दे सकता, लेकिन ऑलमोस्ट 90% हम ट्राई कर सकते हैं और आपको करेक्ट एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपने जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस करना है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए 1 घंटे के अंदर अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो ट्रांसलेट करके आपको दूंगा, लेकिन हम अपनी चार्जेस लेंगे, ठीक है। आपको पता है कि मैं आपके लिए इतना हेल्प कर रहा हूँ तो हमारी कुछ चार्जेस होगी जो कि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर बताऊँगा कि हम कितने चार्जेस आपसे लेंगे, जो कि मुनासिब चार्जेस होगी और ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगी, जितनी भी आप पेजेस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे उतनी चार्जेस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अपने इस व्हाट्सएप पे हमें वॉइस मैसेज करना है, काम न करें, ठीक है। और इंशाल्लाह जो डे टाइम है 9 से लेकर 6 PM है, तो उसके अंदर अंदर आप लोगों को हम रिप्लाई देंगे और इंशाल्लाह आपको जो आपका वर्क परमिट है, अगर आपका यूरोप के किसी भी कंट्री का वर्क परमिट है, तो वो हम आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देंगे और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके देंगे, जिस तरह आप लोगों ने ऑलरेडी मतलब जो वर्क परमिट हमें प्रोवाइड की होगी उसी तरह ही ट्रांसलेट करके हम दे सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ऑनलाइन बहुत से वेबसाइट वगैरह मौजूद है, उसके थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत से मिस्टेक्स होगी, इसके अलावा वो आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके नहीं दे सकते, वो आपको जस्ट एक वर्ड में फॉर्मेट में दीजिए और फिर आपको थोड़ी मुश्किलात ज्यादा होगी। तो हम आपको बिल्कुल जिस तरह हमें प्रोवाइड करिए सेम टू सेम उसी तरह लाइंस में, उसी तरह पेजेस पे आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो आएगी वो पोलैंड के जो इंटरव्यू है उसके अंदर या यूरोप के किसी भी कंट्री की इंटरव्यू के अंदर वो जो क्वेश्चन आपसे पूछी जाएंगी वो कौन सी क्वेश्चन होती है, तकरीबन मैंने पूरी मेहनत की है और आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन तक वो तैयार की है और इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ वो क्वेश्चंस और उसके आंसर कोशिश करूंगा आपको शेयर करूं, ठीक है, और आप लोगों को समझाऊं कि किस तरह इंटरव्यू को आपने आसानी के साथ पास करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है, मैंने आपको बताया कि आपका एम्प्लॉयर नेम आपको पता हो, कंपनी नेम पता हो, उसका एड्रेस पता हो, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें, तो तब ही आप जाके इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।